क्राइम ब्रांच पुलिस की यूनिट 3 की टीम ने तहसील पुलिस के साथ मिलकर अंसार नगर मोमिनपुरा में छापेमारी कर 32 मवेशियों को पुलिस ने मुक्त कराया, साथ ही दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अंसार नगर मोमिनपुरा में छापेमारी कर आरोपी शकील कुरैशी उम्र 32 वर्ष और मोहम्मद तबरेज कुरैशी उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार किया। आरोपियों के घर से कुल 32 मवेशियों को पुलिस ने मुक्त कराया है। मवेशियों की कीमत करीबन 4,37,000 रुपए बताई गई है। मवेशियों को धंतोली के गोरक्षण में भेज दिया गया। कार्रवाई के दौरान सत्तूर, छुरा व अन्य सामग्री भी पुलिस द्वारा जब्त की गई। आरोपियों पर तहसील थाने में कार्रवाई की जा रही है। आज मॉर्निंग में जोन 3 में पचपोली पुलिस स्टेशन और तहसील पुलिस स्टेशन में गोवंश तस्करी के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन इम्प्लीमेंट किया गया था। तहसील पुलिस स्टेशन में सीनियर PI विनोद पाटिल साहब और उनकी टीम ने आज सुबह 7 बजे से पूरा एरिया वो चेक कर रहे थे। उस दौरान अंसार नगर एरिया में मोमिनपुरा में एक घर में उनको एक जानकारी मिली कि अवैध तरीके से गोवंश रखा गया है। वहाँ पे रेड करने के बाद उन्हें लगभग 33 गोवंश वहाँ पे मिला जो इलीगल तरीके से वहाँ पे रखा गया था। और साथ ही साथ जब हाउस सर्च किया वहाँ पे कटाई के लिए स्लॉटर के लिए जो वेपन्स इस्तेमाल होते हैं सत्तूर वगैरह ऐसे वेपन्स भी घर पे मिले थे। तो उस सीज करने के बाद वहाँ पे दो आरोपी थे जिन्होंने वो गोवंश रखा था वहाँ पे इलीगली, उनको अटक किया गया है। और इस कार्रवाई में लगभग 4.5 लाख रुपये का मुद्देमाल उनकी टीम ने जब्त किया है। आरोपी वही जिनके घर में ये मुद्देमाल मिला है जो उनको अभी आरोपी हमने किया है शकील कुरैशी उनका नाम है। और उसके साथ साथ और किसी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है क्या ट्रांसपोर्टेशन में वगैरह वगैरह इसकी जांच अभी तहसील पुलिस स्टेशन की टीम कर रही है। और इसके साथ साथ ही पाचपौली में भी ये ऑपरेशन इम्प्लीमेंट किया गया था। और अभी जस्ट कुछ देर पहले ही पाचपौली में भी 27 गोवंश वापी मिला है नोका फैक्ट्री एरिया में। तो पाचपौली में भी अभी इस तरह की कार्रवाई शुरू है, वहाँ पर भी आरोपी अटके और किसी का इन्वॉल्वमेंट हो वो चेक कर रहे हो। अभी NBCN न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।